जय हिंद दोस्तों, ज्ञान गोदावरी YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस संदर्भ में हम बताएंगे कि GS के कई सेक्शन होते हैं और उसी सेक्शन में एक सेक्शन होता है सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जनरल साइंस एवं टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन होता है। और इसके संदर्भ में ध्यान दीजिएगा कि आपके संदर्भ में केवल जीएस के परपेंडिकुलर आपको पढ़ना है, पूरी साइंस के संदर्भ नहीं। कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना होता है। तो सबसे पहले आज के वीडियो के क्रम में आप सिलेबस देख लीजिए कि सामान्य विज्ञान में किन किन चीजों में वनडे एग्जाम और यूपीएसआई के संदर्भ में क्वेश्चन आते हैं। तो सामान्यतः विज्ञान की जो परिभाषा होती है यहाँ कि किसी भी चीज के क्रमबद्ध ज्ञान के अध्ययन को ही विज्ञान कहते हैं। और दूसरी चीज होती है प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी, इससे करंट अफेयर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो प्रौद्योगिकी का अभिप्राय होता है कि ऐसी तकनीक जो व्यक्ति समाज और देश के विकास में सहायक हो उसे प्रौद्योगिकी कहते हैं। और इस प्रौद्योगिकी के अंतर्गत तीनों प्रकार के प्रौद्योगिकी, बायोटेक की प्रौद्योगिकी, फिजिक्स से और केमिस्ट्री से प्रौद्योगिकी आती है, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। तो यह सामान्य विज्ञान का को मुख्यतः यहाँ पे दो भागों में बांटा गया है। एक होता है प्राकृतिक साइंस, नेचुरल साइंस, प्राकृतिक विज्ञान नेचुरल साइंस होता है। और दूसरा जो होता है भौतिकी विज्ञान होता है, भौतिकी विज्ञान, फिजिकल साइंस, भौतिकी विज्ञान, विज्ञान फिजिकल साइंस होता है। और प्राकृतिक विज्ञान किसे कहते हैं, इसकी परिभाषाएं कहीं से अलग से नहीं आती, परिभाषाएं जो होती है बहुत ही सिंपल होती हैं। तो प्रकृति में होने वाली घटनाओं के अध्ययन को प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं। और यह प्रकृति के बारे में भी चर्चा की जाए तो पृथ्वी से लेकर सूर्य के बीच के जो स्पेस होता है वह नेचुरल साइंस के अंतर्गत आता है। और इसी प्राकृतिक विज्ञान में एक जो मूल पॉइंट का ये कि जीवों के अध्ययन के लिए एक शाखा का विकास किया गया जिसे जीव विज्ञान कहते हैं, जीव विज्ञान बायोलॉजी। यानी विज्ञान की, अब यहां से देखिएगा, अभी तक सामान्य विज्ञान की परिभाषा बता रहे थे, अब इस प्राकृतिक विज्ञान में जीव विज्ञान की परिभाषा बताएंगे कि प्रकृति में जीवों के अध्ययन के लिए जिसका अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान, यानी ऐसा विज्ञान जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। बायोस मतलब होता है लाइफ और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, यानी जीवन के बारे में अध्ययन किया जाता है। और इसी को कहीं कहीं करेंट अफेयर्स एग्जाम में लाइफ साइंस के नाम से जोड़ दिए जाते हैं, लाइफ साइंस के नाम से इसको जोड़ दिया जाता है। और जब लाइफ साइंस के नाम से जोड़ दिया तो मनुष्य से रिलेटेड घटनाओं के बारे में इसका अध्ययन किया जाता है। और इसी के बाद इसी जीव विज्ञान में पौधे और जंतुओं दोनों का अध्ययन किया जाता था। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा पौधे, अभी इसके बारे में अंतर बताएंगे, पौधे प्लांट व जंतु एनिमल दोनों का अध्ययन किया जाता है। और इसी में जंतु और पौधों के अध्ययन किया जाता था, लेकिन जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ने लगी इस जीव विज्ञान को दो भागों में बांट दिया गया है। एक होता है जंतु विज्ञान, जूलॉजी, और दूसरा जो होता है वनस्पति विज्ञान, बॉटनी। और इसी प्रकार से इसमें जीव विज्ञान का शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1802 ईस्वी में लैमार्क एवं ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिक ने किया था। उसी प्रकार से इसकी परिभाषा देखेंगे कि जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। और इसका प्रयोग सबसे पहले अरस्तु ने किया था, और इसी के कारण अरस्तु को जंतु विज्ञान का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। क्यों नहीं, एक पुस्तक लिखी थी उसका नाम था हिस्टेरिया एनिमेलिया नामक पुस्तक लिखी थी जिसका इसे जंतु विज्ञान का पिता कहा जाता है। उसी प्रकार से वनस्पतियों का अध्ययन सबसे पहले थियोफ्रेस्टस ने किया था
थियोफ्रेस्टस, फ्रेस्टस ने किया था, और इसी के कारण इसे वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है, वनस्पति विज्ञान का पिता, विज्ञान का पिता, फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था हिस्टेरिया प्लांटेरम, हिस्टेरिया प्लांटेरम, प्लांटेरम नामक पुस्तक लिखी थी जिसके कारण के वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है। यह तो आपका मूल रहा डिवाइडेशन। और इसी प्रकार से यहाँ पे आज इस भौतिक विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है, एक भौतिक विज्ञान होता है, भौतिक विज्ञान जिसे सामान्य भाषा में फिजिक्स कहते हैं, फिजिक्स, और दूसरा जो होता है, यह एक भौतिक विज्ञान होता है और दूसरा जो होता है रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान इसे केमिस्ट्री कहते हैं, केमिस्ट्री। तो भौतिक विज्ञान यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्य और ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है, द्रव्य मैटर, मैटर वह ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है, ऊर्जा इनर्जी, इनर्जी का अध्ययन किया जाता है उसे भौतिक विज्ञान का, इन्हीं दोनों रूपों का अध्ययन भौतिक विज्ञान कहते हैं। अब यहाँ से परिभाषा आप देखेंगे कि द्रव्य किसे कहते हैं, तो द्रव्य वह वस्तु होती है, इसको डिटेल्स जब फिजिक्स पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा, द्रव्य वह वस्तु होती है जो स्थान घेरती है और जिसमें द्रव्यमास या द्रव्यमान होता है और जिसका ज्ञान हम अपने ज्ञान इंद्रियों से कर सकते हैं उसे द्रव्य कहते हैं। और दूसरा जो होता है, और इस द्रव्य के एग्जाम्पल होते हैं ईंट, पत्थर, लकड़ी, कोयला, इस प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं दिखाई देती हैं वो सभी द्रव्य के अंतर्गत आती हैं। और ऊर्जा किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इनकी डिटेल्स आगे जब फिजिक्स हम बताएंगे तो पूरी डिटेल्स बताएंगे। और दूसरा जो होता है रसायन विज्ञान, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें तत्वों के गुण धर्म और उसके बनाने की विधियों का अध्ययन किया जाता है उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। इसको तीन भागों में बांटा गया, और भौतिक रसायन, अकार्बनिक रसायन और कार्बनिक रसायन के अंतर्गत आते हैं। तो ये मुख्यतः आपके सिलेबस हो गए, एक जंतु विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान, यह आपके बेसिक सिलेबस होंगे। अब इन तीनों सेक्शनों में से एक एक सेक्शन के बारे में मैं बता रहा हूं। अब यहां से देखिएगा, इस सामान्य विज्ञान के अंतर्गत सबसे जो इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट्स होते हैं, सबसे अधिकांश क्वेश्चन बायोलॉजी से आते हैं। और इस बायोलॉजी में आप देखिएगा मूलतः आपको क्या पढ़ना होता है, आप सिलेबस केवल देख लीजिएगा। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट होता है जीव विज्ञान, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान, इसमें दोनों सेक्शन आते हैं, बायोलॉजी, बायोलॉजी, और इसी को लाइफ साइंस के नाम से जानते हैं, लाइफ साइंस के नाम से, साइंस के जानते हैं। तो इस जीव विज्ञान में मूलतः आपको मनुष्य की कार्यकी के बारे में आपको पढ़ना रहता है, और इसके संदर्भ में जो दोनों चीजें होती है कि जीव विज्ञान, अभी परिभाषा बताएं कि विज्ञान की व्यवस्था है जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है, और इसमें जीव मुख्यतः दो होते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें जीवों के संदर्भ में यदि बात की जाए तो एक दो होते हैं, एक पौधे होते हैं, पौधे होते हैं, और दूसरा प्लांट, प्लांट होते हैं, और दूसरा जो होते हैं जंतु होते हैं, दूसरा होते हैं जंतु, एनिमल होते हैं। तो पौधों और जंतुओं के संदर्भ में एवं केवल मनुष्य से रिलेटेड कार्य की आपको पढ़नी होती है, मनुष्य से रिलेटेड कार्य की आपको जंतुओं में पढ़नी होती है, और इसी प्रकार से प्लांट फिजियोलॉजी आपको पढ़नी होती है। तो इस जीवों की मुख्यतः तीन कार्य की होती है, पॉइंट आ जाता है यहीं से कि जीवों की कार्य की, यहीं से आपका सिलेबस शुरू होता है। तो यहाँ पे इसके बाद से आता है पहला जीव विज्ञान में परिभाषा देने के बाद एक पॉइंट आता है कि जीवों की कार्य की, जीवों की कार्य की, कार्य की, इसको इंग्लिश में एनिमल फिजियोलॉजी कहते हैं, एनिमल फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी कहते हैं। और इस जीवों की मुख्यतः तीन कार्य की होती है, बहुत ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले पाचन होता है। इस जीवों की मुख्यतः तीन कार्य की होती है, एक पाचन, पाचन, और इसी को डाइजेशन कहते हैं, डाइजेशन,
और दूसरा और इसी पाचन का अध्ययन पाचन तंत्र के अंतर्गत करते हैं, इसी पाचन का अध्ययन पाचन तंत्र के अंतर्गत करते हैं। पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम और दूसरा जो होता है, और इस पाचन में एक अगला पॉइंट आता है भोज्य पदार्थ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है भोज्य पदार्थ, पदार्थ इसको फूड मटेरियल कहते हैं, फूड मटेरियल। और इस फूड मटेरियल में मुख्यतः 7 स्टेप होते हैं जहां से आपके बेसिक क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला जो होते हैं विटामिन होते हैं, विटामिन होता है विटामिन, और दूसरा जो होता है कार्बोहाइड्रेट होता है, दूसरा जो होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट होता है, तीसरा जो होता है वसा होती है, वसा फैट। चौथा होता है लिपिड होता है, लिपिड होता है। और इसी के बाद से पांचवा पॉइंट होता है, पांचवे पास जाइए, प्रोटीन होता है। और छठवां जो होता है खनिज तत्व होता है, खनिज तत्व मिनरल एलिमेंट होता है। और सातवां जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है जल होता है, जल वाटर। तो फिजियोलॉजी से आपके मुख्यतः एक क्वेश्चन, और हर बिंदु से किसी भी एग्जाम में आप देख लीजिए कि एक क्वेश्चन विटामिन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, वसा होता है, लिपिड्स होता है, प्रोटीन होता है, खनिज तत्व से होता है और जल से होता है। और केवल आप इसकी बेसिक सिलेबस की मैं चर्चा कर रहा हूं, जब इसको सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा तो एक एक करके देखिएगा। और इसी के बाद से दूसरी फिजियोलॉजी होती है, पाचन के बाद से जो होता है दूसरा जो होता है श्वसन होता है, पाचन के बाद से जो दूसरा होता है श्वसन, बी फिजियोलॉजी होती है श्वसन रिस्पायरेशन। और इसी श्वसन का अध्ययन श्वसन तंत्र के अंतर्गत करते हैं, श्वसन तंत्र रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंतर्गत करते हैं। और इसमें श्वसन कैसे होता है, कितने प्रकार के होता है, अभी इसको मैं फिगर बताऊंगा। और तीसरा जो होता है उत्सर्जन तंत्र होता है, एक्सक्रिएशन होता है। और इसी का अध्ययन उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत करते हैं, उत्सर्जन तंत्र, इसको एक्सक्रिएटरी सिस्टम के अंतर्गत करते हैं। इसके बाद से आता है कि जैव प्रौद्योगिकी बायो टेक्नोलॉजी आती है। और इसमें आते हैं डीएनए आरएनए जीन प्रौद्योगिकी, ये सब चीजें आती हैं। इसके बाद से आता है कि जो अगले पॉइंट्स डी और ई आता है कोशिका, क्या होता है इसमें दोनों आप पढ़ेंगे कोशिका सेल, और इसी सेल का अध्ययन कोशिका विज्ञान के अंतर्गत करते हैं, कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, साइटोलॉजी के अंतर्गत इसको करते हैं। तो यह आपके जो 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, पूरी 50 क्वेश्चन में से आपके 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। तो इसके संदर्भ में कभी के पेपर में इनकी संख्या करीब करीब 18-20 तक हो जाती है। तो जो बायोलॉजी के आपके क्वेश्चन आते हैं, ध्यान दीजिए यहां से कैलकुलेट कर लीजिएगा, एक पाचन से क्वेश्चन हो जाता है, पहला क्वेश्चन हो जाता है, और पाचन में 6-7 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। मैं एकदम डायरेक्ट बता रहा हूं कि किसी भी एग्जाम में देख लीजिए क्वेश्चन विटामिन होता है, कार्बोहाइड्रेट से, वसा से, लिपिड से, प्रोटीन से, खनिज तत्व से और जल से। आपकी कुछ एक फिजियोलॉजी को आपको पढ़ने में 8 क्वेश्चन मिल जाते हैं, एक फिजियोलॉजी को पढ़ने में 8 क्वेश्चन मिल जाते हैं बायोलॉजी के। और दूसरी चीजें होती है श्वसन से 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं, इसी प्रकार से उत्सर्जन से, ऐसे डीएनए आरएनए से मिल जाते हैं, ऐसे करके आपके 12-13 क्वेश्चन बायोलॉजी के जो फंडामेंटल्स बोन्स होते हैं जो मिल जाते हैं।
और इसी के संदर्भ में आपके 12 क्वेश्चन बायोलॉजी से क्लियर हो जाते हैं, दूसरे नंबर पे आता है फिजिक्स और तीसरे नंबर पे आता है केमिस्ट्री। तो इन तीनों की डिटेल में आपको एक सीक्वेंस में मैं बता दे रहा हूं कि तीनों फिजियोलॉजी कैसे होती है मनुष्य, और जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे मनुष्य से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें आता है जंतुओं और पौधों के संदर्भ में, तो जो फर्स्ट क्लास होगी उसमें प्लांट और एनिमल में अंतर हम बताएंगे। तो अब देखिए इन तीनों फिजियोलॉजी को कैसे आपसे सामान्यतः क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जीव विज्ञान में अभी लिखे थे कि जीवों की कार्यकी एनिमल फिजियोलॉजी। अब यहां से देखिएगा कि जीवों की कार्यकी से आपसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। जीवों की कार्यकी कार्यकी एनिमल फिजियोलॉजी फिजियोलॉजी और तीन क्रियाएं अभी बताए थे, पाचन, ये पहला था पाचन, पाचन और यह डाइजेशन होता है, डाइजेशन होता है और इसी पाचन का अध्ययन पाचन तंत्र के अंतर्गत करते हैं, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम सिस्टम। तो आपको जो भी फिजियोलॉजी पढ़नी है आपसे मनुष्य से रिलेटेड आपको फिजियोलॉजी पढ़नी है। तो अब यहां से देखिएगा इसी पाचन का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं, पाचन तंत्र के अंतर्गत करते हैं, और पाचन आपको पढ़ना है किसमें, मनुष्य से रिलेटेड आपको पढ़ना है। तो ध्यान दीजिएगा कि यह मनुष्य की बेसिक संरचना होती है, मनुष्य के शरीर के तीन भाग होते हैं, हेड होते हैं, थोरेक्स होते हैं और उदर होते हैं। यह मनुष्य की एक बेसिक फिगर, आपको फिगर एग्जाम में नहीं बनाना है, ये आपके एग्जाम समझने समझाने के लिए मैं बना देता हूं। और यह यही पूरी फिजियोलॉजी होती है, यह मनुष्य की फिजियोलॉजी होती है। तो यह मनुष्य के शरीर के तीन भाग होते हैं, यह इतने भाग को हेड कहते हैं, सिर कहते हैं, इतने शोल्डर तक हेड होता है और यहां तक जहां रिब्स होती है यह वज होता है, यह वज होता है, इसको थोरेक्स कहते हैं, थोरेक्स कहते हैं। और तीसरा होता है सिर, हेड होता है, हेड हेड होता है और इसके बाद से यह उदर होता है। तो इसके संदर्भ में यहां से जो चीजें होती है इसी या मनुष्य के शरीर की बेसिक संरचना होती है, और इसमें बहुत सारी आपको फिजियोलॉजी आपको इसके अंतर्गत इंक्लूड होती है। तो सबसे पहले आप पढ़ रहे हैं पाचन तंत्र। तो पाचन, मनुष्य का पाचन तंत्र कहां से प्रारंभ होता है, मुख गुहा से प्रारंभ होता है, कहां से, मुख गुहा से प्रारंभ होता है और सीधे आने के बाद से एक थैली के आकार की संरचना होती है जिसे स्टमक या आमाशय के नाम से जानते हैं, और इसी में ग्रहण किया हुआ भोजन 4 से 5 घंटे तक एकत्रित होता है, कहीं कहीं 3 से 4 घंटे तक लिख दिया, यह मनुष्य का आमाशय होता है। इसी के पास से आंत शुरू हो जाती है, यह छोटी आंत होती है और यह छोटी आंत होती है और इसी के बाद से यहाँ से बड़ी आंत प्रारंभ हो जाती है। एक बेसिक रग टाइप स्ट्रक्चर इसका मैं बता रहा हूँ, एक रग टाइप डाइजेस्टिव सिस्टम का अन्य ऑर्गन्स को छोड़ दीजिए, यही संरचना होती है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा यह मनुष्य की बड़ी आंत होती है, ये छोटी क्यों होती है, बड़ी क्यों होती है, यह बहुत विशेष कुंडली संरचना होती है, लास्ट में एनस के द्वारा बाहर निकल जाती है। तो ध्यान जी, इतने भाग को मुख गुहा के नाम से जानते, इतना भाग जो होता है ये जो होता है मुख गुहा होती है, मुख गुहा, इसी को इंग्लिश में बकल कैविटी कहते हैं, बकल कैविटी कहते हैं। और यही भोजन नली, ध्यान दीजिए जो भोजन नली गले में होती है, यहां से देखिएगा जो ब्लैक स्पेस जितना बना रहा हूं, यही संरचना जो होती है मुख गुहा के बाद से यह ग्रसनी होती है, जो बी संरचना होती है वह ग्रसनी होती है, ग्रसनी फायरिक्स, फायरिक्स होती है। और इसी के बाद से यहां से नीचे की जो संरचना होती है वह ग्रास नली होती है, जो सी संरचना होती है ग्रास नली होती है, ओसोफेगस होता है, ओसोफेगस, फेगस होता है। और यह जो संरचना होती है जो डी होता है आमाशय होता है, आमाशय स्टमक, स्टमक होता है। और इसके बाद और यहां तक की संरचना जो होती है पूरी जो संरचना होती है आंत के नाम से इसको जानते हैं, यहां लिख दे रहा हूं, ये जो संरचना होती है वह आंत या इंटेस्टाइन होती है, आंत, इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन। और मनुष्य के आंत की लंबाई 7.5 मीटर होती है,
इसको ध्यान दीजिएगा। और इसके पास से और यहां तक की जो संरचना होती है दो भागों में बटी होती है या छोटी आंत होती है, छोटी आंत, इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन कहते हैं। और इसी के बाद से जो यहां से लेके जो लास्ट संरचना होती है बी जो होती है बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत, बड़ी आंत, इसको लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के नाम से। और छोटी आंत की लंबाई होती है 6 मीटर होती है और इसकी लंबाई 1.5 मीटर होती है, टोटल जोड़ देंगे 7.5 मीटर आता है। तो यह मनुष्य का मुख्यतः पाचन तंत्र होता है। और इसी में एक संरचना होती है जिसे सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स कहते हैं, इसे पैंक्रियास या अग्नाशय के नाम से जानते हैं, पैंक्रियास या अग्नाशय के नाम से जानते हैं। तो पाचन की परिभाषा होती है, ध्यान दीजिएगा, कि भोजन के अघुलनशील अणुओं को घुलनशील अणुओं में बदलने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से आगे बढ़ गए पाचन तंत्र, यानी मनुष्य में भोजन को पचाने में जो सभी अंग मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं और उसी तंत्र को पाचन तंत्र कहते हैं। तो दोनों की परिभाषा बहुत सिंपल होती है कि भोजन के अघुलनशील अणुओं को घुलनशील अणुओं में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। और दूसरा जो होता है सिस्टम, किसी भी कार्य को करने के लिए एक सिस्टम की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से भोजन को पचाने के लिए क्या होती है, एक सिस्टम होता है। तो यानी भोजन को पचाने में जो अंग सहायक होते हैं सब मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं, इसी को पाचन तंत्र कहते हैं। और इसी में अभी बात जस्ट बताए थे, मनुष्य का मुख्य भोज्य पदार्थ विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रसार, लिपिड आता है, तो यह पूरा पाचन तंत्र के अंतर्गत आता है। इसके बाद अभी जस्ट दूसरी फिजियोलॉजी हम बताए थे, पाचन के बाद से जो दूसरी फिजियोलॉजी बताए थे श्वसन, तो बी जो फिजियोलॉजी होती है श्वसन, और इसी श्वसन का अध्ययन, इसी श्वसन रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन का अध्ययन श्वसन तंत्र के अंतर्गत करते हैं, श्वसन तंत्र, इसको रिस्पायरेटरी सिस्टम कहते हैं। और मनुष्य का जो श्वसन तंत्र होता है यह नोज से प्रारंभ होती है, बहुत ही सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, श्वसन कहां से प्रारंभ होता है, नोज से प्रारंभ होता है और मुख्य ऑर्गन शरीर के अंदर होता है लंग्स। और इस श्वसन का मुख्य कार्य होता है किसी भी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से जो भोज्य पदार्थ आप खाते हैं उसी को ऑक्सीडेशन करने के लिए, जलन करने के लिए, दहन करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो वही प्रक्रिया यह श्वसन के द्वारा होती है। यहाँ बहुत संक्षिप्त फिगर में बना रहा हूं तीनों फिजियोलॉजी का। और यहाँ जो श्वसन होता है मनुष्य के नोज से प्रारंभ होता है, ध्यान दीजिएगा, मनुष्य के नोज से प्रारंभ होता है, मनुष्य का ये नोज होता है और यहीं से श्वसन तंत्र प्रारंभ होता है, मनुष्य का जो श्वसन तंत्र होता है, ऐसी संरचना होती है मनुष्य की। और यही आगे जाने के बाद, यही आगे जाने के बाद ऐसे एक बेसिक संरचना होती है। और यहां से जाने के बाद इसके भाग बता दिए हैं, मनुष्य के शरीर के 3 भाग होते हैं, हेड होते हैं, थोरेक्स होते हैं, वक्ष होता है। और इसी के बाद से यहां से जाने के बाद, यहां से जाने के बाद ऐसी संरचना होती है और यहीं से श्वसन तंत्र प्रारंभ होता है, ध्यान दीजिए, यहीं से श्वसन नलिका निकलती है। और सीधे आने के बाद, सीधे आने के बाद यहां जब गले में आती है तो एक संरचना होती है लैरिक्स, लैरिक्स होती है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, लैरिक्स ऐसी संरचना होती है और इसे स्वर यंत्र कहते हैं। और यहीं से एक नली निकलती है जिसे श्वास नली या ट्रेकिया कहते हैं, जिसे श्वास नली या ट्रेकिया कहते हैं। और यह एक विशेष कार्टिलेजस छल्ले की बनी होती है, ऐसी इसका अभिप्राय होता है कि जब व्यक्ति श्वसन नहीं करता है तो दोनों श्वास नली आपस में चिपकने न पाए, और यही श्वास नली होती है। और आगे जाने के बाद यह 2 भागों में डिवाइड हो जाती है, आगे जाने के बाद यह 2 भागों में डिवाइड हो जाती है और प्रत्येक लंग्स में चली जाती है। तो इसका अभिप्राय होता है कि यह जाने के बाद से बहुत सारी संरचनाओं में डिवाइड हो जाती है, यही लंग्स होता है ऐसी, और यह लंग्स होता है यह दोहरी झिल्लियों का बना होता है और विशेष प्रकार के एक सिस्टम में बना होता है ताकि इसको बाहरी आघातों से कोई चोट ना पहुंचे, हल्का फुल्का चोट पड़े तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, यही जो होता है श्वसन तंत्र होता है। और इसके संदर्भ में यह जाने के बाद से यह जैसे ट्रेकिया जाती है इसको हाइलस कहते हैं, और जाने के बाद से यह डिवाइड हो जाती है, हर पॉइंट्स पे यह डिवाइड होती जाती है,
हर पॉइंट्स पे यह डिवाइड होती जाती है, जैसे आप डिवाइड करेंगे हर पॉइंट पे, और ऐसे पूरा डिवाइड होकर पूरे लंग्स में फैल जाती है। ऐसी संरचना होती है जो पूरे लंग्स में फैल जाती है। इसको जब आप डिटेल्स पढ़ेंगे तो बनाऊंगे कैसे डिटेल्स डिवाइडेशन इसका होता है। तो यह संरचना होती है लंग्स के संदर्भ में सारी चीजें आती हैं, और ऐसे यहां से डिवाइड हो जाती है। एक देखा जाए तो एक वृक्ष के आकार की संरचना बन जाती है, और यहीं से ऑक्सीजन का विनिमय या एक्सचेंज होता है, जिसे आदान प्रदान लेना देना कहते हैं। तो यह राइट लंग्स होता है, यह राइट लंग्स होता है, या लेफ्ट लंग्स होता है, लेफ्ट लंग्स होता है, और इसी को फेफड़े के नाम से जानते हैं। और इसके बाद से यह नोज होता है, बहुत सारे आकार में स्वर यंत्र होता है, स्वर यंत्र होता है, इसको लैरिक्स लैरिक्स कहते हैं। और यही जो पूरी संरचना आप देख रहे हैं श्वास नली होती है, श्वास श्वास नली होती है, नली होती है ट्रेकिया, ट्रेकिया के नाम से जानते हैं। और यही लंग्स होता है, और इसके बाद से यही से विनिमय होता है। तो इसके संदर्भ में जब आप पढ़ेंगे श्वसन किसे कहते हैं, तो ऑक्सीजन को सिंपल सी परिभाषा होती है, आप जो भी परिभाषाएं होती बहुत सिंपल, O2 का लेना और CO2 का छोड़ना। तो ध्यान दीजिए सिंपल सी परिभाषा होती है कि यहाँ पे ऑक्सीजन को ले रहे एरो, ध्यान दीजिए O2 को ग्रहण करें, और इसके बाद इसी से क्या करते हैं CO2 को निकाल देते हैं। तो ऑक्सीजन का लेना और CO2 का ग्रहण करने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं, बहुत सिंपल सी परिभाषा होती है। और यह परिभाषा के संदर्भ में अब इसकी और आइडेंटिफाई परिभाषा जब करेंगे तो इसका अभिप्राय होता है इस O2 को लेने के उद्देश्य भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करना होता है। इसके बाद से इसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, श्वसन कितने प्रकार के होते हैं। तो सामान्यतः आप देखेंगे अवायवीय श्वसन, एनारोबिक रिस्पायरेशन, ऐसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन नहीं उपयोग होता है उसे एनारोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। और यह निम्न कोश के निम्न जीवों में जैसे बैक्टीरिया हुआ, जीवाणु हुआ, फंगस हुआ, इसमें पाया जाता है। कुछ अंतः परजीवों में पाया जाता है, जो शरीर के अंदर जीव पाए जाते हैं उसमें पाया जाता है। और वायवीय श्वसन एरोबिक रिस्पायरेशन जिसमें ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। इसके लंग्स कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इसी के संदर्भ में पूरा रिस्पायरेटरी सिस्टम को पढ़ेंगे। और सबसे करंट में इसको आप जोर से करंट के संदर्भ में जब क्वेश्चन बनाएंगे तो COVID-19 बहुत ही फेमस है, ये महामारी का रूप, एपिडेमिक का रूप दे दिया गया है। और यह जो कोरोना वायरस होता है, कोरोना वायरस जो होता है इम्यूनो सिस्टम को तो प्रभावित करता ही करता है, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। जब यहाँ पे जाता है तो यह नोज के द्वारा क्या होता है, इसीलिए मास्क लगाया जाता है, नोज के द्वारा जाता है। सबसे पहले उसमें स्पाइक प्रोटीन होते हैं, इसके संदर्भ में कोरोना की सिंपल आपके में फोबिया बन गई होती है कि स्पाइक प्रोटीन होते हैं, क्या होते हैं, स्पाइक प्रोटीन होते हैं। तो यही स्पाइक प्रोटीन इसको अटैच करते हैं, और यहां जाने के बाद से यह जो ब्रिज के आकार की शाखाएं देख रहे हैं इसमें क्या करते हैं, इसमें इसको ब्लॉक कर देते हैं, यहां ब्लॉक कर देते हैं। जब ब्लॉक कर देते हैं तो यहां से O2 और CO2 का विनिमय नहीं हो पाता, एक्सचेंज नहीं हो पाता है, तो जिसके कारण व्यक्ति को श्वसन क्रिया में बाधा उत्पन्न होती है। और जब बाधा उत्पन्न होती है तो एक समस्या होती है कि अब करंट अफेयर्स में आप देखेंगे कि वेंटिलेटर, वेंटिलेटर इसीलिए ऑक्सीजन की आवश्यकता, आर्टिफिशियल बलून्स को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और सारे ऑर्गन्स आपके ठीक रहेंगे, लेकिन ये सारी चीजें क्या होती है, जब ऑक्सीजन ऊर्जा ही नहीं मिलेगी तो शरीर के अन्य अंग कार्य नहीं करेंगे। जैसे बाइक में पेट्रोल खत्म हो जाता है वैसे बाइक बंद हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से यह जो COVID-19 है जब यह अटैक करता है तो मनुष्य के सारे ऑर्गन सही रहते हैं, लेकिन उसकी उपस्थिति में व्यक्ति की डेथ हो जाती है। इसकी चर्चा बातें आगे हम करेंगे, बहुत अच्छे टॉपिक बना है इसमें, COVID-19 के संदर्भ में अलग टॉपिक बताएंगे हम। तो यह दूसरी फिजियोलॉजी हो जाती है श्वसन के संदर्भ में। और यह जो श्वसन से रिलेटेड और बहुत सारी सी इम्यूनिटी चीजें होती हैं, जैसे आप ड्रग्स का यूज करते हैं कैसे ये काम करता है, ये सारी चीजें आपको इस सिलेबस में बताएंगे। लेकिन आपके संदर्भ में अब इसी के बाद से दूसरी जो फिजियोलॉजी, तीसरी जो फिजियोलॉजी बताए थे उत्सर्जन, क्या होते हैं उत्सर्जन, और उत्सर्जन के संदर्भ एक्सक्रिएशन, एक्सक्रिएशन होता है, और इसी उत्सर्जन का अध्ययन उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत करते हैं, उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत करते हैं, एक्सक्रेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम के अंतर्गत करते हैं।
तो यह जो उत्सर्जन तंत्र होता है इसको अलग से नहीं बना रहा हूं, इसी में हम बना दे रहे हैं। तो उत्सर्जन तंत्र या हेड होता है, थोरेक्स होता है, और इसी के नीचे यहां पे देखेंगे तो ये किडनी होती है जिसे उत्सर्जन मुख्य उत्सर्जी अंग माना गया है, यही किडनी होती, ऐसी संरचना होती है किडनी, किडनी के संदर्भ में एक संरचना होती है, इसी को किडनी कहा गया है, ऐसी संरचना होती है, ऐसी संरचना होती किडनी होती है जो उत्सर्जन उत्सर्जी अंग के अंतर्गत माना जाता है, यहीं पर यह पोस्टेरियर पार्ट्स में स्थित होती है किडनी होती है, दोहरी संरचना बनी होती है, दोहरे आकार की संरचना बनी होती है, और इसी के बाद से उत्सर्जन तंत्र होता है, यह शरीर में अन्य उत्सर्जी पदार्थों को निकालने का कार्य करता है, इसी में एक विशेष संरचना होती है जिसे रीनल पेल्विस कहते हैं, यहां से फिल्टर होता है। तो इसके संदर्भ में एक चीज और यहाँ पे बताना भूल गए कि यहीं पर दो चीजें होती है, रीनल पेल्विस होता है जो यूरिन को फिल्टर करने का कार्य करता है, और यही यूरिन क्या होती है एक विशेष प्रकार की थैली में एकत्रित हो जाती है जिसे यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, यहां से एक विशेष प्रकार की थैली में एकत्रित हो जाती है जिसे मूत्राशय की थैली, मूत्राशय की थैली, या इसे यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। अब यहां से यूरिनरी ब्लैडर मेल ऑर्गन्स के द्वारा, पुरुष में मेल ऑर्गन्स के द्वारा, फीमेल्स में फीमेल्स ऑर्गन्स के द्वारा बाहर निकलता है, तो ये अलग की बात होती है जब आगे पढ़ेंगे। तो यह उत्सर्जन का मतलब होता है त्यागना, यानी शरीर में जो अवशिष्ट पदार्थ बनते हैं उनको निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अंग होता है यही ब्रिक या किडनी होती है, इसी का नाम होता है ब्रिक, ब्रिक या किडनी होती है, किडनी होती है, और इसी ब्रिक का अध्ययन ब्रिक विज्ञान या नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, इसी का अध्ययन ब्रिक विज्ञान या नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं। अब यहां से आप समझें कि फिल्ट्रेशन कैसे होता है, तो हमारे शरीर में दो प्रकार की नलिकाएं होती है, एक होता है धमनी होती है और दूसरा जो होता है सिरा होता है। तो धमनी जो होती है शरीर को विभिन्न भागों से रुधिर को लाने का कार्य करती है, ध्यान दीजिएगा धमनी जो होती है या आयरो, ध्यान दीजिएगा यह आयरो जो होता है रुधिर को विभिन्न भागों से लाने का कार्य करता है, और यही जो धमनी जो होती है यहां से क्या होता है यहां से शरीर के दोनों ब्रिक में जाती है, ध्यान दीजिएगा यहां से दोनों ब्रिक में जाती है, तो यह रुधिर को ले जाती है, और इसी में बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इसके दो भाग होते हैं और इसमें रुधिर को फिल्टर करने का कार्य किया जाता है, यहाँ पे ऐसी संरचना होती है और इसमें फिल्टर करने का कार्य किया जाता है, और यही जो धमनी होती है इसके बाद से यहाँ से सिरा होती है, यहाँ धमनी थोड़ी सी पतली होती है, यही धमनी होती है, ऐसे क्या कहते हैं धमनी, आर्टरी कहते हैं धमनी, इसको बॉडी सर्कुलेट आर्टरी, आर्टरी कहते हैं, और इसके बाद से रुधिर को ध्यान दीजिएगा या आयरो, ध्यान दीजिए इसको ले जाने का कार्य करती है, दूसरा जो होता है सिरा या फिल्टर रुधिर को, रुधिर को क्या करते हैं छान कर क्या करती है दोनों भागों में जाती है, यहां से देखिएगा यहां जाने पर दोनों भागों में जाती है, यह पूरे रुधिर में चली जाती है, नीचे नीचे चली जाती है, तो इसका मुख्य कार्य होता है रुधिर को फिल्टर करके शरीर के पुनः अंगों में हृदय में ले जाने का कार्य करती है। तो इस प्रकार से पूरा जो सिस्टम बनता है उत्सर्जी तंत्र के अंतर्गत आता है। तो आपकी बायोलॉजी में ध्यान दीजिए आपको क्या पढ़ना है इतनी डिपेंड नहीं करता, आपके अकॉर्डिंग आयोग के अनुसार सिलेबस जो निर्धारित है आपके एग्जाम के अंतर्गत यही तीन फिजियोलॉजी से आपसे क्वेश्चन बनते हैं, और यही फिजियोलॉजी आपको प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ना होता है, अलग से पाचन सूक्ष्म और उत्सर्जन अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद से एक्सेसरी ऑर्गन्स के रूप में आप पढ़ेंगे, जैसे आप यहाँ पे पढ़ेंगे कि यहाँ पे जो वज होता है यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे जो वज होता है इसके संदर्भ में जब आप पढ़ेंगे तो मनुष्य की संरचना के संदर्भ में यहाँ पे जब आप अलग से पढ़ेंगे तो इसकी फिजियोलॉजी के संदर्भ में यहाँ से जो वज होता है यहीं पर हार्ट होता है लंग्स होता है लीवर होता है इन सारी चीजों के बारे में आपको पढ़ना रहता है। इसी के बाद से यहाँ पे कंकाल होते हैं जैसे यहाँ पे अंश मेखला होता है और यहाँ पे श्रेणी मेखला होता है। अंश मेखला में सिर पूरा फिट बैठता है, श्रेणी मेखला यहाँ पे रिब्स पाए जाते हैं, छोटी छोटी रिब्स पाए जाते हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना रहता है।
जैसे यहाँ पे कंकाल स्केलेटन सिस्टम के अंतर्गत पढ़ते रहते हैं, तो जो है हड्डियां होती हैं, हड्डियों के संदर्भ में स्केलेटन सिस्टम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पूरा हमारा एक कंधा जो होता है इसे अंश मेखला इसे पेक्टोरल गार्डन्स कहते हैं, और इसी वजह से बैठा होता है जिसके कारण सिर इधर उधर घूमता है। उसी के बाद इसी अंश मेखला में क्या होता है, हाथ लगा होता है, तो हाथ में हमारी जो हड्डियां होती है, हमारा हाथ किस में बैठा होता है, अंश मेखला में, इसे पेक्टोरल गार्डन्स कहते हैं। और अंश मेखला में हाथ में कई हड्डियां पाई जाती हैं, एक होता है ह्यूमरस होता है, रेडियस और अल्ना, ह्यूमरस इतना होता है यहाँ तक, और इसके बाद रेडियस और अल्ना इसके बीच में पाई जाती है, और इतना ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पस और ये मेटा कार्पस होता है, फैलेंजियल्स हड्डियां होती हैं। तो इसी प्रकार से हाथ में पाया जाता है, उसी प्रकार से जो कमर की हड्डी होती है जो सबसे लंबी हड्डी होती है वो फीमर होती है, टिबिया होता है, फिबुला होता है। तो इस प्रकार से कंकाल स्केलेटल सिस्टम को पढ़ेंगे। और दूसरी चीज होती है जो सेल आपने पढ़ा था, सेल के संदर्भ में आपने पढ़ा था कि सेल दो प्रकार के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में जीवाणु और विषाणु आते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं, और इसमें यही तीन जीव होते हैं प्रोकैरियोटिक्स के अंतर्गत आते हैं। अभी मैंने चर्चा की थी कोविड-19 की चर्चा जब मैंने की थी, तो यह क्या होता है, यह प्रोकैरियोटिक जीव होता है, उसमें गुणसूत्र क्या होते हैं, डीएनए होती है अथवा आरएनए होते हैं। तो सॉरी, इसमें गुणसूत्र क्या होते हैं, वनली आरएनए होते हैं, और जो सुकेंद्रकीय कोशिकाएं होती है उसमें डीएनए आरएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन होता है। तो इसकी जांच जब होती है कोविड-19 के संदर्भ में, जो मनुष्य के शरीर में जो अनुवांशिक पदार्थ होते हैं डीएनए प्लस आरएनए होते हैं, आरएनए होते हैं प्लस हिस्टोन प्रोटीन होती है, हिस्टोन प्रोटीन होती है। तो लेकिन जो कोविड-19 है इसमें ओनली डीएनए होता है, क्या ओनली आरएनए होता है, आरएनए होता है। तो इसके टेस्ट में प्रॉब्लम इसीलिए आती है कि जो मनुष्य के जो शरीर में जीन होते हैं और डीएनए के रूप में होते हैं, लेकिन जब इसको आरएनए के लिए, तो इसीलिए डीएनए से आरएनए में बदलने की प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, डीएनए से आरएनए में बदलने की प्रक्रिया, इसके लिए अलग टर्मिनोलॉजी होती है। तो यही आपका बेसिक सिलेबस होता है, और इसी के बाद से बायोलॉजी को पढ़ाने के बाद से मैं एक एक बिंदुओं पर सब पे चर्चा करूंगा हर एक फिजियोलॉजी के संदर्भ में। और दूसरी चीजें होती हैं, किसी प्रकार से जब फिजिक्स पढ़ाएंगे तो फिजिक्स के पूरे बिंदुओं की चर्चा करेंगे, और जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो केमिस्ट्री की चर्चा करेंगे। इसके बाद से जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें से हम करंट एक एक पॉइंट्स के बारे में बताते हुए चलेंगे। थैंक यू।